सिमिलरली इन द 13th वन हमें क्या बोला गया, एक डेजर्ट कूलर है एंड इट कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे. सेम कंडीशन इज देयर कि हॉट ड्राई डे है हमारे पास, और हॉट ड्राई डे में रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसा होता है, इट वुड बी मोर. टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कैसा होगा, इट वुड बी मोर. ठीक है, इट वुड बी फास्टर. सो इट आर डेजर्ट कूलर व्हेन एग्जॉस्ट फैन इज ऑन. कभी भी हमारा डेजर्ट कूलर में एग्जॉस्ट फैन जैसे ही आप ऑन करोगे ना, वैसे ही आपकी हॉट एयर क्या होगी, इट वुड स्टार्ट एंटरिंग थ्रू थ्रू द स्ट्रोमेट्स. स्ट्रोमेट्स क्या होते हैं, वो जो साइड्स वाले पार्ट होते हैं ना हमारे कूलर्स के, उसके थ्रू घुसने की कोशिश करेगी. एंड एट दिस साइड एवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस दैट ऑल्सो एट अ फास्टर रेट. आपने देखा होगा कि साइड्स पे पानी आने लग जाता है कूलर के, तो क्यों आता है वो, इसलिए ही आता है कि इवेपोरेशन होना शुरू हो जाता है. वहां से गर्म हवा आ रही है और वो पानी को क्या कर रही है, इवेपोरेट करवा रही है, और जल्दी होगा इवेपोरेशन. इट टेक्स अवे हीट फ्रॉम एयर सो दैट द एयर बिकम्स कूल, इवन कूलर ऑन अ हॉट ड्राई डे. ज़्यादा कूल होगा जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा. सो दैट वुड बी योर आंसर फॉर द